और आरफा आपके उसका भी थोड़ा क्लैरिफाई करना था और बुशा ने एक सवाल पूछा था तो उसका भी तो मैं चले स्टार्ट कर लेती हूँ आरफा के सवाल से आरफ़ा आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है मैंने अच्छा खासा क्लियर जो मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा था इस ग्रुप पे उसमें मुझे लगता है वो अच्छा सा अच्छा खासा क्लियर था लेकिन जस्ट टू तो रिपीट इट क्योंकि किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना कि वो, वो स्पेशली आपके लिए था तो हो सकता है किसी ना ना भी सुना हो लेकिन जस्ट टू बेनिफिट ऑल दी अदर्स सवाल ये था कि जब जब रोजे रोजे में 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 आपको देना होता अगर आपका आपका एक एक तो आप में, रोजे में आपने आपका कोई रोजा छूट गया आप बीमार थी लेकिन आपको पता है कि इनशाला पता तो नहीं होता उम्मीद ही होती है कि कोई ऐसी क्रॉनिक इलनेस नहीं है और आप ठीक हो जाएंगे इनशाला तो आप इसको मेकअप कर लेंगी तो फिर आपको उस वक्त फिदिया देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको ऐसा पता है कि आप ऐसी टर्म मतलब क्रॉनिकली इल है कि आप अगले रमजान तक भी नहीं रख सकेंगी रोजा आपको पता है कि आपको ऐसी बीमारी है कि आप रोजा नहीं रख सकती हैं उस सूरत में फिर आप फिदिया दें और फिदिया देने के लिए कि एक एक रोजे का फिदिया जो है वो एवरेज खाना जो आप अपने घर में खाते हैं उसके बराबर है एवरेज खाना में चूंकि ये रोजा है रमजान है तो इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं उसमें भी हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो लेकिन वो कहते हैं दो वक्त का खाना तो दो वक्त का खाना एवरेज जो है जब हम यहां पर देते हैं तो हम नॉर्मली कहते हैं दस बारह पंद्रह डॉलर बन जाते हैं ठीक है डिपेंड करता है आपके घर का एवरेज कितना है लेकिन अगर आप इस्लामिक रिलीफ को देख मेरा ये मशवरा है कि अगर आप यहां पर दे रहे हैं अमेरिका में रह रहे अमेरिका में दे रहे हैं आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि अपनी मस्जिद को दें अपनी मस्जिद को दें ताकि आपकी मस्जिद रिस्पॉन्सिबल हो जाए कई दफा हमको आईआईओसी वालों ने कहा है कि आप हमें दे दें वी विल टेक केयर ऑफ इट क्योंकि उसमें आप किसी को कपड़ा नहीं दे सकते उसमें आप किसी को कोई चीज उठा के नहीं दे सकते उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय फीडिंग नबी वसल्लम के जमाने में फीड किया करते थे और उसमें होता था सा, सा होता था और मद होता था और उसके हिसाब किताब होते थे अब उस हिसाब किताब से ये लोग फिर लगाते हैं कि आजकल कितना बनता है इसका एक बंदे का तो वो अगर यहाँ पर अमेरिका में है या कहीं किसी और कंट्री में तो उस कंट्री के हिसाब से उसके खाने का जितना बनता है वो देना है और क्वेश्चन ये था अरफा का कि क्या एक फैमिली को दे सकते हैं अगर उस फैमिली में दो तीन बच्चे हैं जो कि उतना खाना नहीं खा रहे हैं तो फिर वो तो उसका पर पर्सन का नहीं बनाना हिसाब किताब अगर आप ऐसी फैमिली को दे रहे हैं जिसमें समझे चार एडल्ट पाँच एडल्ट छह एडल्ट हैं तो वो छह लोगों का खाना बन सकता है तो आप उस तरह भी दे सकते हैं कि ये मैंने चलो लेकिन मेरा मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिका के हिसाब से दें लेकिन आपने जो सवाल पूछा था अरफा तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई अमेरिका से बाहर है अगर वो पाकिस्तान में है समझिए तो पाकिस्तान के हिसाब से देंगे और और खाने का ही देंगे ये नहीं उनको देखिए यह होता है कि अगर आप उनको पैसे दे देती हैं और आप उनसे कहती हैं वो कहेंगे हम तो ईद की शॉपिंग करेंगे तो फिर क्या होगा तो ये इसमें ये मैं वॉर्न करने के लिए मैंने दोबारा से इसलिए कहा कि ये चीजें मैंने इतना क्लियरली नहीं बोला लेकिन इन रमजान आने वाला होगा तो फिर हम इसको एक दफा क्लियरली दोबारा से एक क्यू ए सेशन क्यू एन ए सेशन कर लेंगे खास रोजे के लिए अभी आपने सवाल पूछा था तो इसलिए मुझे जवाब देना एक और उसमें क्लरिफिकेशन ये थी कि पता नहीं आपने साठ का लफ्ज यूज किया था साठ मस्किनों को खाना खिलाना वो उस सूरत में होता है कि किसी का रोजा कोई जानबूझ के तोड़ दे वो कफारा होता है फिर दिया नहीं होता तो वो कफ़ारा होता है वो कफारा जो है उसमें फर्स्ट तो ये है कि आप एक स्लेव को रिहा करें स्लेव आपके पास नहीं है जाहिर है तो फिर उसमें ये है कि आप उसमें साठ मस्किनों को आ, आ, खाना खिलाएं ये आप साठ रोजे रखें उसमें साठ रोजे रखें साठ रोजे लगातार मतलब एक रोजा तोड़ने का तो उम्मीद है कि आपने कफारा का नहीं पूछा होगा किसी ने जान बुझ के रोजाना नहीं तोड़ा होगा और ये साठ मिसकिनों का चक्कर नहीं होगा लेकिन अदरवाइज जो है ये है कि इंश्योर करना है कि ये खाना मिले खाने के लिए भी ये है कि आप पका हुआ खाना भी प्रोवाइड कर सकते हैं रोज का आपने बांध दिया एक बंदे के साथ भाई फला आके खाना खा लें आप तीस दिन तक आपका खाना आप आके ले जाओ या हम आपको दे देते हैं वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप उसको पूरे राशन दे दें आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है एक um... नौरीन ने पूछा था नौरीन अभी आई है कि नहीं आई है मेरी लिस्ट पे मुझे दिख नहीं रही है सेकंड क्वेश्चन मैं बुशरा ने कल मुझे भेजा था और उसमें यह था कि मैं जब कहती हूं कि आप आमीन कहें शायद इन्होंने वो दुआ वाला सुना होगा मेरा कि आमीन कह के मैंने कहा कि इस तरह मुंह पे वाइप ना करें तो उसमें भी मैंने काफी रिसर्च की और मैंने देखा उस वक्त तो मैं आपको पता है कि हम लोग हमारे जो टीचर्स हम थे वे हम्बली थे शाफी थे तो हम उन लोगों को मैं उन लोगों से जो सीखती थी वो करती थी तो अभी भी अगर आप इस्लाम क्यूए पे जाएंगे अगर मसलन के हमारा मेन जो हम जिससे ढूंढते हैं हर चीज को इस्लाम क्यूए पे अगर जाएंगी तो उसमें यही लिखा है कि वाइपिंग द फेस जो है आफ्टर सेइंग आमीन आमीन के साथ जो आफ्टर मेकिंग द दुआ हम आमीन करते हैं और मुंह पे हाथ फेरते हैं तो वो अगर इस्लाम क्यूए पे जाएंगे तो वो भी ये कहेंगे दिस इज नॉट फ्रॉम द सुन्ना नबी नबीसम नहीं करते थे हाउ एवर उन्होंने ये कहा देर आर सम वीक समीसिया आपका माइक खुली हुई है देर आर सम वीक समीस और वो कहते हैं जब वीक अहादीस होंगे तो उस पर हमारा शरीर नहीं बनता है उसको हम फॉलो नॉर्मली नहीं करते हैं जब तक कि ऑथेंटिक नहीं हो हदीस तो इस्लाम के वाले तो साफ ये कह रहे हैं ठीक है ना वो कहते हैं कि नहीं आमीन कहते वक्त मुंह हाँ पे हाथ नहीं फेरना और जगहों पर आप अगर पढ़ेंगे बहुत सारी रिसर्च तो आपको बहुत सारे दलाइल भी मिलेंगे कि तो आखिर नमाज पढ़ते वक्त जो है हम आमीन कहते हैं तो मुंह पे तो हाथ नहीं फेरते हैं कुनूत जब पढ़ते हैं उसके बाद आमीन करते हैं तो हाथ नहीं फेरते हैं जब हम तशाह में बैठते हैं तो असियात के बाद जो हम इतना सारा पढ़ रहे होते हैं सारी दुआएं पढ़ रहे होते हैं मैं इसको इसको उस पर डाल दूं डू नॉट डिस्टर्ब पे तो उस पे जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं इतनी सारी दुआएं जो कर रहे होते हैं आफ्टर द तो तहियात के बाद तो उसमें भी आमीन नहीं करते हैं जब अल्लाह ताला ने कहा सोते जागते जिक्र करो उसमें भी हम ऐसे नहीं करते हैं जब हम ये छोटी छोटी दुआएं जो खाने से पहले खाने के बाद बाथरूम जाते वक्त इसमें भी नहीं करते हैं तो इसके लिए खास क्यों करना तो इसके लिए वो ये लॉजिक देते हैं एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इसलिए मुँह पे करना और उन्होंने देखें इस्लाम की तो साफ कह रहा है कि नबी वसल्लम के सुन्नत में से नहीं था आई थिंक शाफ और हम ये फॉलो करते हैं uh, मालिकी का मुझे नहीं मिला उसमें लेकिन हनफी का ये कि हनफी में इट्स ओके तो बुशरा आपने ये पूछा था कि आपकी आदत है बचपन से कर रहे हैं मेरी भी आदत थी बचपन से कर रही थी मैंने अपने आप को रोक लिया आई गॉट यूज टू इट लेकिन हनफी के नजदीक अगर ये सही है तो फिर सही है फिर मतलब कोई आप उसमें ये ना सोचें कि ये बिद्दत हो गई ये बिदत नहीं होगी इनशाला क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि कुछ अदीस है मतलब ये एक फिक्की इशू है और बहुत सिंपल इशू है कोशिश ये करें मेरी कोशिश ये है कि मैं मुंह पे हाथ ना फिर आपका सवाल फिर एक और भी था बुशरा इसी के साथ टैच आपने ये कहा कि जब हम पढ़ते हैं मुआवज़तम पढ़ते हैं और नबी सला की क्लियर हदीस है कि जब आप कुलूअ वबलास कुल कुल जब आप पढ़ती हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अपने पूरे जिसम पे सर से लेके और पाओं तक आप जिधर तक हाथ पहुँचे उसको तीन दफा वो पढ़ती हैं आप तीन दफ़ा अपने हाथों पर फेरती हैं तो देखें इससे भी पता चलता है कि सिर्फ उस स्पेशल इतने सारे इतने सारे अस्कार हैं लेकिन सिर्फ उसके लिए स्पेशल नबी ने कहा कि ये पढ़ के आप पूरे जिसम पे हाथ फेरें तो इससे पता चलता है दिस इज समथिंग स्पेशल और फिर ये भी था कि अगर आप आमीन करते भी हैं तो कुछ लोग आमीन करके फिर ऐसे भी करते हैं ऐसे ऐसे आंखों को चूमते हैं ये बिल्कुल ये तो बिल्कुल क्लियरली बिदत है ना नबी सल्लल्लाहु नबीसम ने कभी किया ना किसी ने किया हम कहते नहीं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं तो हम कर रहे हैं या हम फलां चीज कर रहे हैं नहीं उसकी कोई अम्म कोई दलील नहीं मिलती है तो वो ना करें अगर आप चूमते हैं इस तरह कर, इस तरह चुमना शुरू कर देते हैं वो ना करें उसकी कोई दलील नहीं है लेकिन आमीन में अगर आपका हाथ चला जाता है और आप आमीन पढ़ लेते हैं आप आमीन के साथ साथ हाथ मुंह पे फेर लेती हैं तो इट्स ओके कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें इन शाह कोई बहुत हराम चीज हराम नहीं है आप ये सोच लें कि जो चीज़ हराम है वो नहीं करना है इस तरह तो वो भी हराम नहीं होगा ये करना भी लेकिन एक बिदत हो जाती है तो कोशिश करना है कि वो ना करें लेकिन अगर आपने ये तीन मुआवज तैन पड़े और अपने जिसम पे सोने से पहले आपने वो फेरा वो बिल्कुल सही है वो सुनना के मुताबिक है अच्छा तीसरा सवाल जो है अब नौरीन वाला है नौरीन आए या नहीं आए मुझे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स पूरी दिख नहीं रही है नौरीन का सवाल था नौरीन सुन लेंगी कोई बात नहीं नौरीन का सवाल था अबाउट के हम ज़कात के पैसों में से हज किसी को करा सकते हैं कि नहीं मैंने उस वक्त आपको ये बता दिया था कि जकआत के पैसों से हज नहीं करना चाहिए क्योंकि आउट ऑफ द कैटेगरीज दो तीन चीजें मैंने कही थी एक तो मैंने कहा कि वो फ़क्रा और मसाकिन और वो जो यत, वो जो जो इतना लंबा चौड़ी एक लिस्ट है आठ कैटेगरीज की जो कुरान में है उस लिस्ट में हज नहीं है उसमें हज नहीं है दूसरी चीज मैंने ये कही थी कि अगर उसके उसके ऊपर फर्जी नहीं है अगर वो इस काबिल है ही नहीं कि वो हज करे चाहे वो फिजिकली चाहे वो मोनिटरली उसके पास हज की कैपेबिलिटी नहीं है एबिलिटी नहीं है इस्तात नहीं है तो वो क्यों हज करे और क्या क्यों आप उसको कराएं तीसरी बात ये है कि वही जो पैसे हैं जिसमें आप इन जिसमें आप समझे कि लाखों होंगे ना हज पे खर्च लाखों खर्च होंगे वो लाखों में आप एक बंदे को हज कराएंगे जिसपे फर्ज भी नहीं है तो इसमें ये आप देखें कि उससे कितने गरीब कितने मस्किन कितने फ़करा का आप अगर फर्ज होता तो अलग बात थी वो खुद करता वो खुद जमा करे पैसे लेकिन अगर फर्ज नहीं है तो फिर आप उसको गरीबों मस्किनों में जो कि जकवात के पैसे हैं आप सदके से खैराज से किसी को भी हज करा दें दस हज करा दें बीस हज करा दें नथिंग रॉन्ग दे। लेकिन रॉन्ग तो है क्योंकि क्यों एक बंदे पे आप इतना खर्च करें अच्छा लेकिन अगर अगर वो इस्तेतात नहीं रखता है लेकिन इतने सारे लोग मजबूर हैं जिनको खाने को नहीं मिल है, जिन जिनकी जक़ात ड्यू है आप ये सोचें जक़त हमारे पैसे नहीं है ये याद रख लें जकत हमारे पैसे नहीं है जकत इज द इंग्लिश में कहते हैं दी ड्यू विच इज अब्लिगेटेड जो कि उन लोगों के लिए ड्यू हम पे ड्यू कि हम उनको दें ये उन लोगों का पैसा है अब उस सौ लोगों के पैसों या हजार लोगों के पैसों में से निकाल के आप एक बंदे को हज करा रही हैं ये मैंने बहुत खुद ही सोचा सोचा और मेरे दिमाग में ही आया ठीक है ना फिर मैंने उमर से पूछा अपने बेटे उमर से तो उमर ने ये कहा कि जब उमर ने भी ये नंबर उसने कहा कि जब हज फर्ज नहीं तो हज क्यों कराना नंबर उसने कहा वो क्या फुकरा और मसाकिन में से हैं जिनको वो कराना चाह रही है हज मैंने कहा सपोज है तो कहते हैं फिर उनको खाने पीने को दो रहने को दे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करें उनके लिए कोई जरिया बनाए कि उनके लिए वो उनको आइंदा वो इस तरह ना हो फ्रा और मसाकिन में से लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो उमर ने कहा जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि जब आप किसी को ये इसलिए मैं रिपीट कर रही हूं कि जब किसी को भी जकत दें यू कैन नॉट पुट कंडीशन ऑन इट नेवर आप जक़त खैरत देंगी कुछ भी आप कहेंगे हाँ भाई ये फलान चीज के लिए यूज़ करो जब आप जक़ात दें तो आप ये भी नहीं कह सकते ये मैं जकवात के पैसे दे रही हूँ आप इससे दवाइयाँ खरीदना मैं जक़ात के पैसे दे रही हूँ इससे तुम अपना इलाज कराना मैं जक़त के पैसे दे रही हूँ इससे तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजना यू कैन नॉट से दैट बिल्कुल नहीं तो फिर आप हज के लिए कैसे उसको जकत के पैसे दे देंगे और फिर आप कहेंगे कि आप इसके साथ हज करो तो जकत के लिए यू कैन नॉट इम्पोज एनी कंडीशन हैज़ हैजू बी जस्ट गिवन टू द रेसिपियंट जकत किसका है रेसिपियंट का है जो जकत के हकदार हैं जकत और किसी का नहीं है तो इसलिए जकत के लिए बहुत केयरफुल रहना है आप वही मैंने कहा किसी को सबके खैरात से जिसको जो मर्जी हज कराने जितने भी कराने सो तो के जकत में बहुत केयरफुल रहना है जक़ात में किसी को हज ना कराएं जो मैंने आपको मालिक की ओपिनियन भेजा था हाँ वो भी मैं क्लेरिफाई कर दूँ वो मैंने इस्लाम क्यूए पे पढ़ा था कि इस्लाम क्यूए ने कहा कि बाकी लोग तो कहते हैं नहीं लेकिन मालिकी कहते हैं कोई बात नहीं एक जो कि आपको उन्हें बताया ना जो लास्ट कैटेगरी है फीस अबी फीस अबील जिहाद के लिए है ऑल के जहाद के लिए दर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसको आप दावा के काम के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसको आप रिकॉर्डिंग के लिए नहीं यूज कर सकते कि चले मैं दावा का, का काम कर रही हूँ ये फीस अबी मैं कर रही हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ प्रोफेशनल एडिटिंग करा लू और मैं इसको लोगों तक पहुंचा लूँ नहीं इसके लिए नहीं है वो सिर्फ जिहाद के लिए और वो जिहाद असल जहाज जो मैदान में जाके करने वाला है वो आजकल है नहीं इस वक्त तो चले जिहाद को आप छोड़ें लेकिन जिहाद फीस अभी जो होता है ये उसके लिए होता है तमाम स्कॉलर्स अग्री है तमाम स्कूल ऑफ थॉट भी अग्रीड है लेकिन जो मैंने पढ़ा था कि मालिकी का तो जब मैंने उमर को बताया तो उमर ने कहा आपने कहाँ पढ़ा है मैंने कहा इस्लाम क्यू में कहता है आपने किसी मालिकी की कि किताब में जाके पढ़ा है इमाम मालिक का कोई मजमु उसमें आपने पढ़ाई है किसी मालिकी ने लिखा उसमें पढ़ा है मैंने कहा नहीं तो कहते हैं डू नॉट कोट मुझे उसने ये कहा कि आप अगर मालिकी के उसमें पढ़ लें तो क्योंकि हनफी भी कुछ कहेंगे और जब आप और कहीं जाएंगे तो लोग हनफी को गलत कोट कर देंगे मालिकी कुछ कहेंगे वो जाके गलत कोट कर देंगे तो कुछ क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं पता लेकिन उमर ने कहा अगर आप उनकी किताब में पढ़ें तो फिर ठीक होगा उन्होंने ये कहा होगा वो उनका ओपिनियन होगा लेकिन अगेन उमर ने कहा कि इट जस्ट कैन नॉट हैपन उसको यकीन नहीं आ रहा था कि माम मालिक ने भी कैसे इजाजत दी होगी वो यही कह रहा था कि इसमें कंडीशन हो ही नहीं सकती है हज के लिए इट हैज बी जस्ट गिवन इट इज द रेसिपियंट मनी जिस तरह भी यूज करे चाहे वो फिल्मों में यूज करे चाहे वो अयाशियों में यूज करे इट इज हिज मनी आपने उसको दे दिया कंडीशन नहीं लगा सकते ठीक है ना तो ये हो गया नौरीन के सवाल का पुष्रा के सवाल का और आरफा के सवाल का आइए अब चलते हैं अल्हमद लास्ट टाइम हमने सूर्य आल इमरान की आया नंबर से नाइनटी सेवन की थी अभी हम आया नंबर नाइनटी एट करते हैं मैं मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ कोई सवाल नहीं अब क्लास के बाद ओके ठीक है मैं सवाल पहले लेती नहीं हूँ मैं सिर्फ क्लैरिफाई करती हूँ नहीं ये पिछले जो आपने समझाया था ना उसके अंदर से बाद okay. 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 में आफ्टर द क्लास ये हमारा एक पैटर्न है हमेशा से वट आई इट इज इट इज क्लैरिफाइंग येस्टेज या लास्ट क्लास का जो होता है उसको क्लैरिफाई करने के लिए सवाल को सवाल लेती नहीं हूँ मैं क्लास से पहले सवाल लेती हूँ क्लास के बाद इनशाला छोड़ देना चाहिए आप लोगों को इतनी अच्छी तरह रट गया बल्कि काफी चीजें आपको आ गई है इनशाला अब मैं आप लोगों से पूछा करूंगी तो कुल किताब किससे कहा जा रहा है अल्लाह तबी कह रहे हैं से बुक यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ए अहले किताब लिमा तक तकफुरूना बिआयातिल्लाह लिमा वाई लिमा है वाई तकफुरूना वाई डू यू डिसबिलीव वाई डू यू रिजेक्ट वाई डू यू डिनाई किस चीज को बिआयातिल्लाह इन द आयत ऑफ अल्लाह वाई डू यू डिसबिलीव इन द आयत ऑफ अल्लाह वाई डू यू डिनाई और रिजेक्ट द आयत आप क्यों इंकार करते हैं अल्लाह की आयत का आप अल्लाह की आयत का क्यों इनकार करते हैं वल्लाहु शहीदुन आला मा तामलून वाइल ये वह जो है ये वह अल्लाह है वाइल अल्लाह इज शहीदुन वाइल अल्लाह इज विटनेस आला अपॉन मा व्हाट तामलून यू डू तो यानी वाइल अल्लाह इज विटनेस ओवर व्हाट यू डू आप अल्लाह देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं जबकि हालांकि अल्लाह गवाह है अल्लाह शाहिद है उस पर जो आप अमल करते हैं 99 नाइन बीस के साथ ही है मिलता जुलता है कुल या अहल किताबे लिमा तसुदूना अन सबी लिल्ला मन आमना तबगूना अच्छा इसके साथ ही है कुल या अहल किताबे लिमा तसुदूना अन सबी मन आमना तबगूना हा इवाजम व अंतुम शुहदा

आप कह दीजिए ए अहल किताब क्यों आप रोकते हैं क्यों आप उनके रास्ते में आते हैं क्यों उनको रोकते हैं अन सबील्ला मन आमना फ्रॉम द पाथ ऑफ अल्लाह अन सबी फ्रॉम द पाथ ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह की राह से मन आमना दोजू बिलीव जो बिलीव करते हैं जो मुसलमान है जो ईमान वाले हैं जो मोमिन है ए अहल किताब आप उनको अल्लाह की रास्ते से क्यों रोकते हैं अल्लाह की राह से उन लोगों को आप रोक रहे हैं जो ईमान लाया है जो ईमान ला चुका और हम पढ़ चुके हैं कि जो ईमान ला चुके हैं उनको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं ये पूरा कनेक्टेड ही है पूरा कनेक्टेड है कि वो लोग कन्फ्यूज करना चाह रहे थे कि देखें आप खुद भी ईमान लाते थे फिर शाम को अपना वो कर देते थे रिजेक्ट कर देते थे फिर कुफर में जाते थे हर चीज में उनको रोकते थे हर चीज में शुभात शकूक डालते रहते थे तो उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप उनको क्यों रास्ते से रोकते अल्लाह के रास्ते से कि जो ईमान लाया तबगून हाई तब गुना इसका मतलब क्या है कि आप आ, तलाश करते हैं आप तलाश करते हैं किस चीज को तब गुना उसमें एवाजा एवाजा पहले पढ़ चुके हैं आइन वाओ जीम फिर खाले पढ़ चुके हैं अगर नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई क्रुकेडनेस कोई ना कोई टेढ़ापन कोई ना कोई कजी एवाजा यानी कोई चीज जो टेढ़ी है जिसमें कज जो उसमें कजी है जिसमें कोई टेढ़ापन है जो डिविएशन है समझ ले कोई डिविएशन है तो क्यों आप उन लोगों को रास्ते में उनके रास्ते में आते हैं जो ईमान लाए हैं और आप तलाश करते हैं कि आप इसमें कोई क्रिकेटनेस ढूंढ लें आप इसमें कोई क्रिकेटनेस तलाश करते हैं कोई डिविएशन तलाश करते हैं कोई टेढ़ापन तलाश करते हैं यू यू यानी यू आर ट्राइंग टू यू आर सीकिंग टू मेक इट सीम क्रिकेट इसमें तो कोई क्रिकेटनेस नहीं है बट यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम क्रिकेटनेस वह अंतुम शुहदा वाइलस वही पहले भी था अल्लाह शहीद थे इसमें भी है कि आप विटनेस आप खुद भी शहीद हैं जबकि आप सब गवाह हैं शहदा हैं व महु बे गिन तमल एंड पहले आया था कि अल्लाह जानता है अब अल्लाह गाफिल नहीं है एंड नॉट इज़ अल्लाह अन अवेयर नॉट इज़ अल्लाह अन अवेयर ऑफ वॉट एवर यू डू અમે તમે કામ કરો છો વોટ યુ डू એન્ડ નોટ ઇઝ અલ્લાહ અવેર ઓફ વોટ યુ डू ઓર નહીં હૈ અલ્લાહ ગાફિલ ઉસ સે જો આપ अमल karte hain 98 ઓર 99 કા આપણે દેખતે ہیں دونوں મેં કિતાબ કોન હે کس سے હે نبی صلی اللہ علیہ وسلم સે કહા جا رہا ہے કે اہل کتاب કો યે કહેતે اہل کتاب કોન હે بیسیکલી ધ યૂસેન ધ ક્રિશ્ચિયન્સ કહા جا رہا હે યે એક વોર્નિંગ હે સે મે વોર્નિંગ હે અલ્લાહ કી તરફ સે અલ્લાહ તઆલા 98 મે કહેતે હૈ લિમા તકફુરુન બિ આયાતિલ્લાહ યાની કે આપ ક્યો ડિસબીલીવ karte hain આપ एक तरह से आप कहते हैं कि आप बिलीवर्स हैं आप कहते हैं कि हम चोजन पीपल हैं हम जूस और क्रिस्चन हैं हम जन्नत में जाएंगे लेकिन फिर आप तक फुरू ना आप बिलीव आप करते हैं आप डिनई करते हैं जबकि अल्लाह 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 शहीद है जो कुछ के आप करते हैं अल्लाह को मालूम है अल्लाह को पता है तो अल्लाह कह रहे हैं कि पीपल ऑफ द बुक को बता दो कि आपके ये जो एटीट्यूड है तक फुरू की आप जो कुफर करते हैं अल्लाह की आयत से इसको कंडेम करें आप उनसे कहें कि ये सही बात नहीं आपका सही एटीट्यूड नहीं है सही बिहेवियर नहीं है अल्लाह जानते हैं आप क्या कर रहे हैं क्योंकि जब ट्रूथ ऑफ द इस्लामिक मैसेज आप जानते हैं आप खुद गवाह हैं और और फिर इसका मतलब ये कि आपको अच्छी तरह मालूम है आपको अच्छी तरह मालूम है लेकिन ट्रूथ क्या है लेकिन फिर भी आप लोगों को उससे दूर भगाने की कोशिश करते हैं उन लोगों ने अल्लाह के सामने खुद विटनेस किया को और वो सर्टन थे उनको पता था कि सब सही है फिर भी वो खुद डिसबिलीव कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके एटीट्यूड को बता रहे हैं हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनके ट्रू कलर्स क्या है आपके सामने वो जो भी बनते हो बहुत अच्छे बनते हो उनके ट्रू कलर्स ये दे ट्राई टू अपियर एज पीपल जो कि ईमान वाले हैं लेकिन रियलिटी में क्या है वो डिसबिलीवर्स है

एक सेंटेंस को एक आयत को अगर डिसबिलीव हम, हम पढ़ भी चुके हैं सारे कुरान को लेकिन जो ये लिखा है ना ये सही नहीं है इस पे हम नहीं करते ये मेरे जहन को नहीं अच्छा लगता ये मेरे दिल मेरा दिल नहीं मानता है तो एज ट्रू बिलीवर्स हमें ये पता है कि हर चीज को मानना है और अगर वो ट्रू बिलीवर्स होते तो वो भी कुरान की हरायत पे भी मानते और जो मैसेंजर आए नबी सलाम से पहले उनको भी मानते ये भी आपको पता है कि उनके मैसेंजर्स ये ले आए कि हमारे बाद एक और नबी आएगा लेकिन वो नहीं मान रहे फिर आया 99 में एक वार्निंग है उनके लिए एक तो ये वार्निंग थी कि वो कुफर ना करें ये वार्निंग है लोगों को रोके नहीं अल्लाह की राह से तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि अहले किताब से आप कह दीजिए कि वो क्यों रोक रहे हैं मुसलमानों को ईमान वालों के अल्लाह की राह से क्योंकि जो अल्लाह की राह से किसी को रोकेगा अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वो फसाद करने है फ्तून में यहाँ नहीं है लेकिन बाकी जगहों कि वो सिदून में से वो फसाद करने वाला है क्योंकि इस तरह अल्लाह की राह से हटाने से क्या होगा करप्शन फैलेगा अल्लाह ताला कह रहे कि मेरा रास्ता सीधा है बिल्कुल सीधा है इसके अलावा जो भी रास्ते हैं वो सीधे नहीं है उनमें क्रुकिडनेस है लेकिन जब आप अल्लाह की राह से किसी को हटाते हैं तो वो जो बिलीवर्स हैं वो जो ईमान वाले हैं उनको जबरदस्ती आप प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो अल्लाह की राह पर चलें और अल्लाह के कॉन्स्टिट्यूशन को वो इम्प्लीमेंट करें या उसको अपनी सोसाइटी में भी करें और अपने ऊपर भी करें तो क्या चीज़ सीधी रहेगी जब अल्लाह का दिया हुआ कानून ही नहीं चलेगा ना ना समाज के ऊपर ना अपने ऊपर तो फिर क्या सीधा रहेगा क्या बाकी कोई चीज़ सीधी नहीं रहेगी हर चीज फॉल्टी हो जाएगी हर चीज में करप्शन हो जाएगी हर चीज जो है वो क्रिकिड हो जाएगी और उसको कभी भी सीधा नहीं किया जा सकता तो फिर एक बंदे के पास दो ही चॉइसेस हैं या तो वो अल्लाह के रास्ते पर चले जो कि हर बंदे के लिए दो चॉइसेस हैं या वो अल्लाह के रास्ते पर चले जो सीधा रास्ता है और उसके ऊपर जो उस रास्ते पर जो चीज़ आएगा वो गुड है वो सही है वो अल्लाह तक हमें पहुंचाती है दूसरा रास्ता कौन सा है टू डिविएट टू डीट फ्राम फ्रॉम इट इन एनी डायरेक्शन सीधा रास्ता एक ही है अपराइट रास्ता एक ही है जब यह हम कहते हैं अल्लाह से एक दिन सुरतल एक ही सरातलमस्तकीम है इसके अलावा जो भी रास्ता हम इख्तियार करेंगे राइट पे या लेफ्ट पे पहले भी शायद मैंने एग्जाम्पल बताया हमेशा ये स्कॉलर यही कहते हैं कि आप समझ लें कि आप हाईवे पे जा रहे हैं मोटरवे पे जा रहे हैं और उसमें यह होता है कि हाई वे पे जाते जाते आपको आ, एग्जिट्स मिल रही है ठीक है कभी कभी ऐसी एग्जिट मिलती है जो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है एक दफा आपने एग्जिट ले लिया तो यहां तो कैलिफोर्निया में तो बहुत अच्छा है हर थोड़ी देर के बाद वापस आप आगे थोड़ा सा जाते हैं और आपको वापस एग्जिट उसी हाईवे पे आपको उल्टी डायरेक्शन में वापस ले जाता है लेकिन न्यूयॉर्क वगैरह में आप जाए अभी पता नहीं कैसा है लेकिन मैं जो एक दफा फंसी थी एक एग्जिट गलत ले लिया एंड 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 आई ऑन 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 मुझे कोई रास्ता वापसी का मिल ही नहीं है पहुंच गई पता नहीं तो इसलिए ये याद रखना है कि सीधा रास्ता हाईवे जो है हाईवे टू हेवन जो है अल्लाह के पास जो जा रहा है रास्ता वो एक ही सीधा रास्ता है अगर आप या तो उसको अपनाएंगे या फिर आप उस रास्ते से भटक जाएंगे डिविएट हो जाएंगे दर इज नो थर्ड ऑल्टरनेटिव आधा इधर आधा उधर आधा तीतर आधा बतरेर नहीं हो सकते ये उनके लिए बहुत बड़ा एक वार्निंग है पीपल ऑफ द बुक के लिए और उनको कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो कुछ किया आप कर रहे हैं आया नंबर हंड्रेड आया नंबर हंड्रेड अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आयत जो है आल इमरान की आधा हो जाएगा हमारा आल इमरान में आई थिंक टूटल टोटल टू, 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 टू हंड्रेड आयात है तो आज हमारा हंड्रेड हो जाएगा उसका मतलब हमारी आल इमरान आधी हो जाएगी या लजीना इनशालाजी आमन इन तो फरीकम मिनल लजीना तुल किताब यरुदूकुम युम बामान अब वो ये उसी के आगे, आगे आप देखिए भी कंटिन्यूड है अब लेकिन डायरेक्ट किससे बोला जा रहा है या लजीना आमन

उन लोगों में से जो किताब दिए गए थे यरुदू कुम दे विल टर्न रद्दू टू टर्न भी होता है टू रिटर्न भी होता है दे विल टर्न यू बैक वो लौटा देंगे आपको दुम फ्टर योर ईमान आपके ईमान लाने के बाद वो आपको अगर आपने इन लोगों को इन लोगों पे को ओबे करना शुरू कर दिया इनकी अतात करनी शुरू कर दी तो ये आपको कहाँ से आपको वापस लौटा देंगे आपके ईमान से किधर काफिलीवर यानी कुफर करने वालों में वो आपको वापस लौटा देंगे अगर आप उनकी बात कहाँ मानना शुरू कर दें इसकी तफसीर क्या है तमाम आर्ग्यूमेंट्स देखें अल्लाह ताला ने बता दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बता दिए अब कुछ पिछले पैगम्बरों के थ्रू बता दिए क्रिश्चियंस और जूस को जितने भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किए उनका भी सब कुछ बता दिया अब अल्लाह ताला डायरेक्टली वो सब कर करा के डायरेक्टली मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी को कह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को वार्न कर रहे हैं वार्न कर रहे हैं ये मुझको और आपको भी वॉन्ट करें कि नॉट टू फॉलो द पीपल ऑफ द बुक अब आप ये कहेंगे कि हर चीज में तो हम फॉलो करते हैं जाहिर है उनके लॉज हैं उनके रूल्स हैं गाड़ी की स्पीड इतनी है फला इतना हेल्थ में जाते हैं फला हम यहाँ रहते हैं जो दूसरे लॉज हैं जो इस्लामिक लॉज नहीं है उसको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है वो तो करना पड़ेगा ना द लॉ ऑफ द लैंड आप स्पीडिंग करेंगे आप क्या नहीं नहीं हम तो मुसलमान हैं हम आर नॉट सपोज टू दैट ये नहीं कोई बहाना है ऐसा सब नहीं करना है यह हम जहाँ रहते हैं वहां पर जिस जिस लोगों की हुकूमत है चाहे वो मुश्रक है चाहे वो काफिर है चाहे जो उन लॉ ऑफ द लैंड को आपने फॉलो करना है अनलेस एंड अनिल इट द इस्लामिक लॉ ये याद रखें तो इसलिए अल्लाह ताला वार्निंग कर रहे हैं मुसलमानों को कि एक वार्निंग है कि हम उनकी जो फॉल्स क्लेम्स जो है वो लोग करते हैं अबाउट ईसा अबाउट अल्लाह अबाउट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट मरियम जो भी वो हमें कह रहे हैं यहां पर आके घरों में किताबें दे दे के जा रहे हैं और जो अपना वो मिशन कर रहे हैं तो उसमें यह कि वार्निंग है कि उनके फॉल्स क्लेम्स जो वो करते हैं उनको हम उस पर कोई अटेंशन ना पे करें अल्लाह ताला ने हमारे दीन को बिल्कुल हमारे लिए खालिश प्योर हमारे लिए कुरान और हदीस

मतलब कोई देखें उस वक्त तो लोग मुश्किल थे ना वो मुसलमान हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे मुसलमान हुए अब जितने लोग मुसलमान हो रहे थे जैसे उनके न्यू मुस्लिम हम कहते हैं कॉन्वर्ट्स कहने रिवर्ट्स कह रहे जो भी कह रहे वो सब मुसलमान हो गए अब सडनली के उनके लिए सबसे बड़ा खतरा सबसे बड़ा डर उनको क्या था कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम दोबारा डिसबिलीफ में चले जाए दोबारा हम कुफर में चले जाए हम नबी सल्लल्लाहु सला हमारे दरमियान मौजूद है उसका मतलब क्या था जब वो सोच समझ के मुसलमान हुए उसका मतलब ये कि हमने अपने लिए जन्नत का रास्ता ढूंढ लिया था हमने रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने का ढूंढ लिया था ऐसा ना हो कि ये लोग हमें उस रास्ते से वापस लौटा दें और हम हम कहा लैंड अप करें दो जख्म में हेल फायर में उनको हेल की भी पता थी उनको हेवन है, की भी पता थी क्यों क्योंकि जो सबसे पहली आयात आई वो सब हेल हेवन को डिस्क्राइब कर रही थी वो बहुत सारी चीजें आई थी हम तो सूर्य फातह फिर बकरा, फिर इमरान से स्टार्ट कर रहे हैं ना उस वक्त कौन सी सूर्तें आई थी सबसे पहले जो आखिरी जूस की हैं तो वो जब सुटते आखिरी ट्वेंटी नाइन वो उसमें तो ये सब चीजें उनको पता था अच्छी खासी डरावनी सूटते हैं वो तो वो उनको ये सबसे ज्यादा उनके लिए खतरा ये था उनका डर ये था कि वो लोग कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत में जाते जाते मुड़ जाए यूटर्न ले लें और हेल में पहुंच जाए तो ये एक वार्निंग है और ये सफिशिएंट वार्निंग है ताकि वो अपने जमीर को अगर उनका जमीर जिंदा है तो उसको ना करें वो कहते हैं ना एक वो एक ठोकर भी लग जाए तो आपका जमीर जो है अगर जिंदा है तो वो कॉन्शियस आपको अलर्ट कर देगा और ये सब मुसलमानों के लिए थ्रू आउट द इयर्स इन ऑल द जेनरेशन एंड अक्रॉस द ग्लोब इट अप्लाइज टू यू एंड मी एंड एवरीबडी एल्स ठीक है ना तो ये वार्निंग है इस वार्निंग को हमें बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए कि हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं उनके त्यौहार उनकी चीजें उनके ड्रेस हर चीज को फॉलो कर लेते हैं तो हमें कम अज कम अपनी फैमिली अपने जनरेशन को इसमें इसमें रोकना चाहिए कि करते 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 वो उनके दीन को ना फॉलो करना शुरू कर दे और आपने देखा है लोग मुरतद हो जा रहे हैं हमारे कैलिफोर्निया से भी लोग हुए हैं आया नंबर वन ओ वन

आयातुल्लाह यहाँ पर है क्योंकि आयात उसे फी या में या कुछ हर फे जरनी उसे पे पहले आयातुल्ला तो अल्लाह की आयात इंग्लिश में हो गया उर्दू में हालांकि जबकि आप पर तिलावत की जाती है जबकि असल में तो जो है जबकि तिलावत की जाती है आप पर अलाइकुम बाद में है वह अंतुम हालांकि आप तुतला तिलावत की जाती है अलह आप पर आयातुल्ला अल्लाह की आयात वफीकुम रसूल एंड अमंग यू इज हिज मैसेंजर रसूल किसके अल्लाह के एंड अपॉन यू अमंग यू इज हिज अमंगजर और आपके दरम्यान उसका रसूल है यानी अल्लाह का रसूल है अल्लाह की आयत आ रही है और अल्लाह का रसूल आपके दरमियान है व्याविम बिल्ला एंड हु एवर अगेन हु एवर है इज इस मुशर यानी जो भी करेगा या तस्विम या तस्विम

उसको हिदायत दी जाएगी वो हिदायत पर होगा इला इलात मुस्तकीम टू पाथ स्ट्रेट सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं वह कैफा अल्लाह रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैफा तक फुरूना आप कैसे डिसबिलीव कर सकते हैं वह अंतुम तुतला अलैकुम जबकि अल्लाह की रेवल्यूशन आपके ऊपर रिसाइट हो रही हैं और मैसेंजर भी आपके दरमियान है देखिए हमारी तो डिफरेंट दि, बात है हमारी डिफरेंट बात है हम अल्लाह के मैसेंजर के साथ नहीं है आई पे रिवील नहीं हो रही है लेकिन हमारे लिए मजे की बात है पूरा कुरान हमारे सामने पूरा कुरान सामने ट्रांसलेशन सामने तफासिर सामने है और जो भी हदीसें हैं वो भी हमारे सामने हैं मजमुए मजमुए कितने हैं हमारे सामने ऑथेंटिक हदीस के तो उन लोगों के लिए बहुत स्कैरी था जिन्होंने फेथ अभी मैंने आपको बताया था कि जो नए नए मुसलमान हुए थे वो अपने आप को दोबारा से डिसबिलीफ की तरफ जाने थे क्योंकि उनके दरमियान अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और आयतें आ रही थी तो वो एक सारी इंसेंटिव थी ना क्या इंसेंटिव थी कि भाई ये चीजें उनके सामने हम हम इसको सुने हम इस पर अमल करें हम इसको माने तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मतलब अल्लाह की राह की तरफ बुलाने वाले लोग मौजूद थे और ये भी मौजूद था तमाम एविडेंसेस भी मौजूद थे शवाहद भी मौजूद थे कि बिलीव किया है और डिसबिलीव किया है उस वक्त बहुत क्लियरली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बताया जो गाइडेंस का रास्ता था वो भी क्लियर था जो डिवियशन का रास्ता था गुमराही का रास्ता था वो भी बहुत क्लियर था और जो सच और हक था वो भी सामने सामने था तो नबी तो अल्लाह ताला जो है उसी वक्त सवाल पूछे कि आप कैसे कुफर कर सकते हैं जबकि आपके दरमियान रसूल और तिलावत हो रही है अल्लाह ताला ने खुद ही उसका जवाब दिया वही मैं या तस्वीम बिल्ला फ़क्त हुआ इलासरास्तम कि जो अल्लाह को फर्मली पकड़ लेगा जो अल्लाह को फोल्ड फर्मली कर लेगा तो फकत वो वो समझ लें कि तो तो सर्टेनली हो दिया कि वो गाइडेड होगा अलोंग द स्ट्रेट पाथ यानी दिस इज द ओनली गारंटी दिस इज दी गारंटी कि आप स्लिप ना हो आप गुमराह ना हो आप ईमान को छोड़ के कुफर में ना चले जाए क्या चीज कि आप अल्लाह को मजबूती से पकड़े लें मैंने आपको बताया था इसके क्या ए तस्म याद तसीम ए, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ए, थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ एक दो सेंटेंसेस सेंटें का मतलब क्या है होल्डिंग फास्ट होल्डिंग मजबूती से पकड़ना इम इसका मतलब क्या है विच मीन्स एडियरिंग टू दैट विच विल प्रोटेक्ट यू एंड विल वर्ड ऑफ फ्रॉम यू दैट विच यू ड्रेड एंड फियर इट मीन्स एडियरिंग टू दैट यानी उस चीज को पकड़ लेना उस चीज से चिपक जाना उस चीज को ले लेना मजबूती से जो आपको प्रोटेक्ट करेगा ये तरसाम उसके लिए यूज होता है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा और एट इट विल वार्ड ऑफ आपके ऊपर से जिस चीज से आप डर रहे हैं जिस चीज से आपको फियर है उस चीज को वो वार्ड ऑफ कर देगा आपको याद है कि इसमें हमने शायद सुरय बकरा में ही पढ़ा था आगे आता है वो फोर्थ जो है कि इसमें वो जो एंकर का लफ्स है एंकर का कि एंकर की तरह जिस तरह आप कश्ती में आपको लगता है ना कि ये कश्ती अभी डूब जाएगी पीछे चली जाएगी करंट्स में चली जाएगी तो उसको एंकर कर लेते हैं तो ये इस तरह की जैसे आपने एंकर कर लिया आपने अल्लाह के साथ अपने आप को मजबूती से बांध दिया अच्छा इस ना इस, 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 क्या चीज है इट मीन्स प्रोटेक्शन जो अभी मैंने आपको बताया इट मीन्स सीकिंग प्रोटेक्शन ठीक है एक है आस्ना प्रोटेक्शन और सीकिंग प्रोटेक्शन इसीलिए जो फोर्ट्रेस होते हैं जो आ, आ, क्या होते हैं फोर्ट्रेसेस होते हैं क्या किले होते हैं किले जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है आर आस, सीमा आर सीमा और उसका प्लोरल क्या आवाज से ये मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा भी मैं आप लोगों को दे दू ये कि बहुत मुझे अच्छा लगा कि हमें ये समझ आ रही है कि ये बात कहाँ से कहाँ निकली है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस लिए और आवासिम क्यों कहते हैं किलों को बिकॉज दे गिव अस प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी में लोग छुप जाते हैं अपने आप को कवर कर लेते हैं जब जंगे होती थी लड़ाइया होती थी तो किलों के अंदर से फोर्ट्स में से आपने पाकिस्तान में देखा कितने फोर्ट्स हैं तो वो फोर्ट्स जो है उसके अंदर से फिर वो सुराखों में से वो फायर करते थे पुराने जमाने का यही दस्तूर होता था तो अल्लाह हमारा प्रोटेक्टर है कमिंग टू बैक टू के आ, हम क्यों कह रहे हैं कि वसिम हूँ के, के अल्लाह हमारा प्रोटेक्टर अल्लाह इज आर प्रोटेक्टर और वो एक प्रोटेक्टर और एक्सिलेंट हेल्पर है अल्लाह ताला बताते हैं आगे कुरान में आएगा ये अभी इस वक्त नहीं कह रहे अल्लाह मुझे याद नहीं किस जुज में है तो अल्लाह ताला जो है वो आपको पता है कि सिर्फ आज और कल नहीं प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा के लिए प्रोटेक्टर है क्योंकि अल्लाह ताला कब इज द इटर्नल मास्टर एक तो वो मास्टर है कोई उनके बदले मास्टर नहीं आएगा दूसरी बात ये ही नेवर डाइज ही नेवर फेड्स इज ऑलवेज देयर आखिरी दिन तक भी होगा आखिरत में भी होगा तो इसीलिए बेस्ट प्रोटेक्टर कौन है अल्लाह है इसके लिए इमाम इबन इब्न अल कय्यूम इमाम इब्न अल कय्यूम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि होल्ड होल्डिंग फर्मली टू अल्लाह मीन्स अपना पूरा ट्रस्ट अल्लाह पे डाल दें नंबर नंबर टू अल्लाह से हम स्ट्रेंथ सीख करें अल्लाह से हम कुत या पावर सीख करें स्ट्रेंथ सीख करें अल्लाह से और अल्लाह से प्रोटेक्शन मांगें विद हिम तीन चीजें नंबर वन ट्रस्ट डालें हम प्रोटेक्शन किससे मांगेंगे जिस पर ट्रस्ट नहीं हो उससे मांगेंगे नहीं सो so, नंबर वन इसकी कंडीशन ये है इब्न अल कय्यम कहते हैं रहमतुल्लाह कि आप अपना ट्रस्ट इसका मतलब ये है जब हम कहते हैं कि वा तसिमू इसका मतलब ये है अल्लाह पे अपना पूरा ट्रस्ट डाल दें अल्लाह से स्ट्रेंथ सीख करें मांगे अल्लाह से अल्लाह से प्रोटेक्शन मांगे और अल्लाह से कहें कि ये जो भी भला है जो भी मुश्किल है जो भी आर्म है इसको हमसे दूर करते ये सब मिला के उसमें आ जाते जब हम कहते हैं वा तस्सीम और उसका मतलब ये है कि जब हम रिजल्ट उसका क्या होता है ये तो हमने मांगा जब हम रिजल्ट उसका जब हम अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह अपने स्लेव को प्रोटेक्ट करेगा अल्लाह बिलीवर्स को प्रोटेक्ट करता है खुद कहता है कि मैं मोमिन का वली हूं तो वो हमारे हमें प्रोटेक्ट करता है और वो क्या करता है हमारे हर हार्म को हर ईवल को हमसे वार्ड ऑफ कर देता है हमसे दूर कर देता है एनी जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है या एनी जो हमें पता भी नहीं है जो कि आगे जाके उससे प्रॉब्लम हो जाए कभी कभी हमसे कोई चीज चली जाती है कभी कभी कोई बंदा चला जाता है कभी कभी कोई चीज चली जाती है ऐसे लगता है अब हम क्या करेंगे अब तो हम बिल्कुल ही मतलब बेबस हो गए हैं हमारे पास तो कोई छत नहीं है हमारे पास कुछ है नहीं लेकिन अल्लाह ताला जिस चीज को हटा रहा होता है हो सकता है आगे जाके वो आपके लिए मजीद प्रॉब्लम बन जाता हो तो अल्लाह तला अपनी अपनी हमत से अपनी नॉलेज से ये डिसीजन करता है कि उसको मजीद प्रॉब्लम से हटा लें तो उस चीज़ को ही हटा देता है तो अल्लाह तला हमको किस चीज़ से यहाँ पर क्या चीज है मेन चीज क्या चीज है इस वक्त ये तो हमने ए तस्मा का पढ़ लिया हम लोगों ने पढ़ लिया वातस्म का क्या मतलब है सब चीजें लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या चीज है कि अल्लाह तला में हमारे उस डाउट्स से बचा के रखे जो शक और शुभात हमारे जहनों में आते हैं उससे बचा के रखे और नंबर टू क्या है शायद वो नंबर वन डिजायर्स जो हमारी अपनी डिजायर्स है हमारी डिज़ायर्स ये होती है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें उसमें हलाल भी होते हैं हराम भी होती है किसी को तकलीफ पहुंचाना भी हो जाती है तो किसी के साथ लड़ना भी झगड़ना भी हो जाता है तो ये सब सोचे कि अल्लाह तला से जब हम प्रोटेक्शन में आ रहे हैं जब हम अल्लाह तला से कहते हैं कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं आप हमें हर चीज़ को हमसे दूर कर दें उस हार्म को दूर करने में अल्लाह हमारी डाउट्स को शक व शुबात को भी दूर कर देगा उन डिज़ायर्स को भी दूर कर देगा जो हमारी इवल डिज़ायर्स है इसके अलावा ये हमारी चीज है इसके अलावा हमारी एमिनी से भी हमें हमारे दुश्मनों कहते है ना, जिनों में से, भी, इंसानों में से भी है और कुछ का पता चलता है कुछ, का नहीं पता चलता है, कुछ मुनाफिक होते हैं कुछ इतने हमें नजर ही नहीं आता कि इनके अंदर क्या है तो हमें बोत हमारे जो अपेरेंट दुश्मन है और जो हमारे हिडन जो मख् है और जो जाहिर है उन सबसे अल्लाह ते निजात दिलाता है प्रोटेक्ट करता है और सबसे बड़ी क्या चीज है फ्रॉम द इवल ऑफ माई ओन सेल्फ मेरी अपनी मेरे अपने अंदर जो ईवल है जो शर मेरे अंदर है उस शर से भी अल्लाह ताला मुझे वो डिजायर्स के फॉर्म में ही निकल आता है लेकिन वो शर जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है उस शर से भी अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्ट करता है तो अल्लाह ताला हमें उन सब चीजों से प्रोटेक्ट करता है जो कि ना सिर्फ मौजूदा है बल्कि जो जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है जिससे हम प्रॉब्लम और ट्रबल में ये मतलब शॉर्ट में ये है एक और चीज है बहुत बड़ी चीज है मैं पढ़ रही थी आई थिंक ये ये भी शायद इमाम अल अकयम का होगा या किसका मुझे याद नहीं शायद उन्हीं का होगा कि ही मे वार्ड ऑफ समथिंग दैट ही हैज ऑलरेडी डिक्रीड अल्लाह ताला ने हमारे लिए किताबी जो हमारी कदर की है उसमें कोई चीज लिख दी गई है लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि वो पेन्स आर लिफ्टेड और कदर लिखी जा चुकी है वो चेंज नहीं होती लेकिन अल्लाह को पता होगा पहले से ही पता होता है के हम दुआ करेंगे ये अक्सर लोग कहते हैं फिर क्यों चेंज होती है कदर क्यों हम दुआ करते हैं दुआ करने से क्यों चेंज होती है इसलिए अल्लाह को पता था कि हम दुआ करेंगे तो जब हम दुआ करते हैं इसलिए लईलतुल कदर में हम इतनी दुआएं क्यों करते हैं क्योंकि जो अल्लाह तला ने हमारी किस्मत में लिख दिया था हमारी कदर में लिख दिया था अगर हम अल्लाह से उस वक्त दुआ कर रहे हैं अल्लाह तला टेकन दैट इंटू अकाउंट अल्लाह को तो पता है ना कि मैं रमजान तक अगर जिंदा रही तो मैं कितनी दुआएं करूंगी अल्लाह उसको अकाउंट में ला के अल्लाह ने ऑलरेडी उसकी प्रोटेक्शन भी हमको दे दी वो भी अल्लाह ताला ही मे डू ना आखिरी का फिर या रुक जाते हैं सवाल है सईदा का इसका लंबी एक्सप्लेनेशन है चले फिर सईदा आपका सवाल ले लेते हैं इनशाला कंटिन्यू नेक्स्ट ट्यूजडे क्या बहुत शुक्रिया आपका नहीं मेरा सवाल बस छोटा सा है पिछली दफा जो मैंने हज के बारे में आपसे सवाल किया था ना तो आपने कहा था हज के पैसे हज के ऊपर खर्च करने चाहिए तो मेरा सवाल ये था कि अभी पाकिस्तान में जो सैलाब आया था काफी जबरदस्त आया था और लोगों ने जो हज के पैसे जमा कर रहे थे उन्होंने अपने पैसे दे दिए थे तो क्या ये चीज ठीक नहीं थी या क्या था तो मैं ये जानना चाह रही थी आपसे मतलब इसकी वजह ठीक और नहीं ठीक का तो हमें नहीं कुछ कह सकती लेकिन इतना कह सकती हूँ कि अगर उस पर हज फर्ज था और उसके पास हज के पैसे जमा हो गए तो उसको हज कर लेना चाहिए क्योंकि हज के लिए मैंने आपको बताया कि लेट नहीं करना चाहिए अगर अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप हज कर लें तो आप हज कर लें अपना वो फर्ज है ना वो, वो फ़र्ज है वो करना जरूरी है और बाकी किसी की मदद करना वो तो थ्रू आउट द ईयर कर ही रहे ना आपने है। जमा कर लिए और आप हज करने के काबिल हो गए तो आपने सारी आपकी सहूलियात मौजूद है तो आप हज कर लें मतलब ये मैं आपको ये कहती हूँ कि ये नॉर्मली ये जो है ये होना चाहिए अगर अभी कोई फतवा दे दे कोई सिचुएशन ऐसी है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसका मुझे नहीं पता अभी किस बंदे ने कितना जमा किया ये उसकी सिचुए उसकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि इतना गरीब है इतना गरीब है कि जिसके पास खाने पीने को भी नहीं था लेकिन उसने पैसे जमा कर कर करके अपने लिए हज के पैसे जमा किए क्योंकि उसने उसके ऊपर तो हज है ही नहीं ना नंबर वन उसके ऊपर तो हज है ही नहीं फर्ज ही नहीं है अगर वो फ़क्रा और मसाकिन में से है तो वो जक़ात लेने के काबिल है तो जब वो जक़ात लेने के काबिल है तो फिर वो हज के काबिल क्यों होगा उसके पास पैसे ही नहीं है हमारे मुल्क में तो करते हैं ना हम कहते हैं नीनी हज है शौक है ये है वो है हर बंदे का दिल चाहता है कि हज करे हर बंदे का गरीब हो या अमीर दिल चाहता है कि हज करे तो हज फर्ज उस पर हो या नहीं उसका दिल चाह रहा होगा हज करने को वो पैसे जमा कर लेंगे वो हज करने के लिए चले जाएंगे लाइफ में एक दफ़ा और दिस इज समथिंग दैट मतलब कितना मुश्किल काम है कि वो चले जाएं और वो हज करके आ जाए और उसके बाद जब उनको वो चीज़ नज़र आ जाती काबा नजर आ है काबा नज़र आ जाता है मदीना चले जाते हैं तो उनकी कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो ऐसे लोगों के लिए कि जो हज अफोर्ड कर सके उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हज अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो एक हज के बदले सेकेंड हज जो कर रहे हैं अगर सेकेंड हज के बदले थर्ड हज के बदले वो गरीब को दे दें दे, इट इज़ फाइन वो बिल्कुल सही बात है कि अब समझिए कि मैंने हज किया हुआ है अब मैं फिर हज के लिए पैसे जमा कर रही हूँ लेकिन मेरे ऊपर तो फर्ज तो मेरा उतर गया ना अब अगर इतनी जरूरत है पाकिस्तान में सैलाब के लिए तो फिर मुझे चाहिए कि मैं वो पैसे डाइवर्ट करके वहां पर भेज दू लेकिन अब यह होता है कि जैसे कि आते अब जैसे हम सैलाब था वहां पर लेकिन हमने उम्रे के टिकट लिए हुए थे हमने उम्रे का सब इंतजाम कर लिया हुआ था तो मैं उसी पैसों में से क्या दे सकती हूँ क्या मेरे पास उतने ही पैसे है जो मैं पाकिस्तान के सैलाब के लिए मदद करूँ या मेरे पास और पैसे हैं अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप उसमें से दें उसमें से दें फिर आपने लेकिन उम्र तो जरूरी नहीं है उम्र जरूरी नहीं है आपने उम्रा कर लिया ठीक है लेकिन हज एक हज जो है वो आप कर लें सेकेंड थर्ड हज के पैसे जो है आप किसी को दे दें दैट इज फाइन लेकिन वो भैया और कोई इसमें कंफ्यूजन रह गई है सहीदा? नहीं और नहीं है बहुत शुक्रिया आपका जजाक खैर और किसी का कोई सवाल है

अगर okay. थोड़ा सा टाइम है तो मैं एक आयत और कर ही लेते हैं चले एक सवाल पूछना चाहिए ये हंड्रेड एंड वन में जो आपने तीन इब्नकियम की बातें बता रही थी उनके बारे में कि तीन चीजें होनी चाहिए आई मिस वन ट्रस्ट अल्लाह एंड सेकंड चेथ प्रोटेक्शन मांगना और एक था कि आप उनपे ट्रस्ट करें अल्लाह पे दूसरा आप उससे स्ट्रेंथ मांगे फिर आप प्रोटेक्शन मांगे एंड आस्क हिम टू वर्ड ऑफ हार्म फ्रॉम यू चार चीजें थी टाइम okay. है तो एक और कर लेते हैं क्या ख्याल है कर लें। ले? लें يا أيها الذين آمنوا تَقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا أو oh, you, those who believe أي eh, لوجو جو إيمان لا يو اتقوا الله إذا أبرو سنتين جو ماكي نماز مجات اتقوا الله be conscious of Allah fear Allah الله سي درو الله کا تقوى اختیار کرو کیا چیز ہے اتقوا الله اس فعل الامر imperative ہے اللہ تعالی حکم دے رہے be conscious of الله fear الله ठीक है ना या अयो लजीना आमन तकुल्ला यानी इतुल्ला हक्का का तुकाते ही हक का यानी जैसा के हक है एज इज हिज राइट तुकाते ही दैट ही शुड बी फेयर दैट ही शुड बी फेयर हक्का का हक्कन तो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है अल्लाह का हक है कि हम उससे डरें हम और हमारा हक है कि हम अल्लाह से डरें ठीक है ना तो तो ये जैसा कि हक है जैसे कि सच्चाई है जो कि राइट है कि इस तरह अल्लाह से डरो ये हुक्म है और फिर एक और हुक्म है वला तम तुन्ना एंड नॉट यू एंड डू नॉट यू डाई तमुतुना मौत से निकला मीम वावते मीम वावता एंड डू नॉट यू डाई और नहीं आपको मौत आए नहीं आप मरे और तमुतुना याद है मैंने आपको बताया था ये क्या चीज होता है जब अन न आता है जब नून का पर श्रद्धा आता है और फता आता है क्या चीज होता है नोना नोनो तोकीद यानी एम्फेसिस एंड डू नॉट यू डाई हरगिज ना हम आप लोग ना मरे आपको हरगिज मौत ना आए इल्ला व अनुमस्लि एक्सेप्ट अंतुम you are in a state of मुस्लिम submission. अब इसमें सब चीज आ जाती है काफिर भी आ सबमिशन भी आ जाता है यानी कि आप ऐसी हालत में ना मरे कि आप मुसलमान ना हो मतलब जो एक ही तरीके आप मरे तो आप मुसलमान होके मरे मुसलमान हो मुस्लिम हो फरमाबरदार हो सिवाय इस हालत के आप ना मरे एक्सेप्ट यू आर इन अ स्टेट ऑफ सबमिशन और यू आर इस सिवाय इस हालत में कि आप फर्मा बरदार हो आप मुस्लिम हो या मुसलमान हो इसको देख लेते हैं अल्लाह ताला एड्रेस कर रहा है बिलीवर्स को मुझे और आपको बहुत कान खोल के सुन ले मेरा और आपके लिए पैगाम है अल्लाह कहने इतना बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह जिस तरह के हक है अल्लाह का कि हम उससे डरे ठीक है ना इसका मतलब क्या होता है बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह का क्या मतलब होता है कि सिर्फ ओबे अल्लाह करें ओबे अल्लाह एंड डू नॉट कन्फ्रंट हिम डू नॉट चैलेंज हिम ओबे करें सवाल ना पूछे कि हम क्यों करें हम कैसे करें कि हम कैसे कन्फ्रंट ना करें आर्ग्यू ना करें चैलेंज ना करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बस लिख लें एक अपने दीवार पे ओबे अल्लाह डू नॉट कन्फ्रंट हिम डू नॉट चैलेंज हिम ये भी लिख लें साथ रिमेंबर हिम अल्लाह को याद रखें अल्लाह का जिक्र करें डू नॉट फॉरगेट हिम अल्लाह को याद रखें अल्लाह का जिक्र करें अल्लाह को भूले नहीं अप्रीशियेट हिम अब आप कहेंगे मैंने सारी बस दिल चाह रहा था तो मैं लिखती जा रही थी जिस वक्त मूड में होती हूं तो फिर मैं चीजें लिखती जाती हूं तो अप्रीशियेट हिम यानी अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह का uh, को अप्रीशिएट करें ठीक है ना थैंक हिम डू नॉट बी अनग्रेटफुल टू हिम फियर द फियर फीयर एंगर ऑफ अल्लाह एंड प्रोटेक्ट एंगर। ये तो मैं कई दफा कह चुकी हूँ, ठीक है ना कि अल्लाह के रेत से अल्लाह के एंगर से अल्लाह के गुस्से से डरें और अपने आप को उससे बचा के रखें इसीलिए इसके इत के रूट लेटर्स ही ऐसे ही है ना कि एक शील्ड अपने इर्गिद बना ले और कई दफा आपको मैंने बताया कि ऐसे जैसे कि खारदार झाड़ियों में आप जा रहे हैं कांटे हैं और उसमें आप अपने आप को बचा बचा के जा रहे हैं प्रोटेक्ट योर सेल्फ हर तरफ से प्रोटेक्ट करे कि अल्लाह कहीं हमसे नाराज ना हो जाए सो द कमांड इज वॉट टू फर अल्लाह टू बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह जनरल टर्म्स में है ये नहीं कि फला चीज में फला चीज में कॉन्शियस हो फला नहीं हर चीज में इससे क्या होता है कि एक मोमेंट जो होता है उसको ये लगता है कि ये तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली मैं इस गोल को अचीव करूं किसी के गोल्स बड़े होंगे किसी के छोटे होंगे किसी के बहुत ऊंचे होंगे किसी के बहुत नीचे होंगे ये एक ऐसी चीज है जिसमें हर बंदा अपने लिए खुद देख लेता है कि मैं कितना कर सकती हूं ये एक ऐसा रोड है जो एक से ज्यादा मतलब कि जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे उतना ज्यादा आप अल्लाह के करीब होते जा रहे हैं मतलब क्योंकि आप इसी रोड पे चलते जा रहे हैं आप किसी और रोड पे नहीं चल रहे हैं समझ में आई मेरी बात इस रोड पे जो सीधा रास्ता है अल्लाह से तकवा का रास्ता है अगर हम तकवा कर लेते हैं तो ये हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तरफ अट्रैक्ट करता जाता है जितना हम दूर उस रोड पे चलते जाएंगे जितना ज्यादा चलते जाएंगे उतना ज्यादा अल्लाह के करीब आते जाएंगे और जितना हम अल्लाह के करीब आते जाएंगे उतना हमारा डर अल्लाह से बढ़ता जाएगा उतना हम ज्यादा कॉन्शियस होते जाएंगे और जितने हम कॉन्शियस होते जाएंगे उतना हमारा गोल जो है वो हायर होता जाएगा हम छोटे से गोल पे नहीं राजी होंगे हम अपने लिए बड़े से बड़ा गोल ढूंढेंगे और हम कंटिन्यूसली स्ट्राइव करेंगे हम जद्दोजहद करेंगे कि हम हमारा दिल हमारा दिमाग हमारी रूह कभी भी सो ना जाए हम जागते रहें हम अलर्ट रहें और हम अल्लाह का तकवा करते रहें। सेकेंड पार्ट में अल्लाह ताला कह रहे हैं वाला ये एक वार्निंग है कि डेथ को आमने मत देना आने मत देना आपके ऊपर हावी नहीं हो जाने देना जब तक कि आपने सरेंडर नहीं कर लिया दो चीजें इसमें आती है एक चीज मैं उस वक्त आपको बताई नॉट डाई एज अ काफिर वी अलहमदुल्लॉट को फार ठीक है ना तो ये हम पे इस वक्त अप्लाई नहीं कर रहा है नॉट टू डाई एज अ काफिर लेकिन नॉट टू डाई इन डिस सेकेंड चीज ये कि मुस्लिमों का मतलब है टू टू के मुसलमान होना और सरेंडर करना तो काफिर होके मरना जो है वो तो बहुत ही संगीन चीज है ना मुझे नबी सलाम के नबी सलाम कितनी मेहनतें कर रहे थे अपने चचा तालिब को कितनी मेहनतें कर रहे थे वो डेथ बेड पे थे और कहते थे आप एक दफ़ा शहादा पढ़ लें आप एक दफ़ा शहादा पढ़ लें आप ही मान लें उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया उनको डिफेंड किया लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा क्या हाल हालत हुई उनकी नबीलासलम प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये कि कोई कुफर पे अगर फौत हो जाता है आपका अपना हो सकता हो रिश्तेदार हो दोस्त हो हम उसकी मफफरत की दुआ नहीं कर सकते अल्लाह ने क्लियरली बोल दिया सलम को आपने कुछ स्टोरीज सुने होंगे कुछ उलमा के अल अलमगरब वाले भी आते हैं दूसरे भी आते हैं यूट्यूब पे भी आती रहती है स्टोरीज लेकिन कितने जिन्होंने ये कहा कि हमने ट्राई किया कन्विंस किया जो कॉन्वर्ट्स थे उन्होंने कहा हमने बहुत कन्विंस किया अपने पेरेंट्स के वह इस्लाम ले आए मरने से पहले कुछ उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने अपने स्टोरी सुनाए कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और कुछ लोगों ने नहीं किया देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं इससे पहले के मौत आ जाए क्या टाइम ऑफ डेथ आपको मालूम है क्या मुझे मालूम है क्या मेरे पास ये गारंटी है कि मैं ये सेंटेंस कंप्लीट कर पाऊंगी आप लोगों के साथ नो वन इज सर्टन नो वन इज सर्टन कि डेथ हमें कब ओवरटेक कर लेगी लेकिन हमें मरना कैसे मुस्लिम इन द स्टेट ऑफ सबमिशन टू अल्लाह इन दुल सेंस ऑफ द वर्ल्ड हमने सरेंडर करना है अभी और इसी वक्त ये तहिया कर लें ये इरादा कर लें कि हमने disobedience में नहीं कर, हमने हमनेबीडियंस में नहीं मरना है एक टाइम भी कम है लेकिन फिर शेयर करना चाहती <laughs> जब हम छोटे थे और हम फिल्मों में जाया करते थे जब कॉलेज में थी लड़कियां पूरा ग्रुप बन के और फिल्मों में हम जाते थे तो वहां पर इस तरह होता था, था कि आ, बैठे हुए हैं और दिमाग में मेरे ख्याल आ रहे तेरा अभी मौत आ गई अभी, अभी जलजल आ गया अभी बिल्डिंग टूट गई मौत से नहीं डर रही होती थी लेकिन तो क्या होगा ये डिसोबीडियंस करते करते लेकिन इससे मुझे छुड़ाया नहीं कि मैं मैंने फिल्में देखना छोड़ दिया मैं देखती रही मैं फिल्मों पर जाती रही और मेरे दिमाग में ये था कि नमाज पढ़ लो अपना जक़ात दे दो ये कर लो वो कर लो ज़कात तो उस वक्त थी नहीं हम पे ऊपर लेकिन फिर भी नमाज पढ़ लो रोजे रख लो तो बस ये हमारे लिए काफी है तो हम डिस डिसोबे तो नहीं कर रहे हैं अल्लाह को और यकीन करें कि उस वक्त जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में कि एक बॉक्स पेशावर में खासकर एक बॉक्स होता है जो जिसमें मतलब बॉक्स का मतलब ये संदूक नहीं उसका मतलब उस कमरे में जो फिल्म सिनेमा जो है उसके अंदर दो बॉक्सेस होते थे औरतों के लिए औरतों के लिए ना पा में जरा कल्चर पाकिस्तानियों औरतों के लिए है ना कि वहां पर मतलब पर्दे वाली खुवातिन बैठ सकें तो गप शप लगा रही कर रही हैं बुरका उतारना उतार लो वहाँ कोई मर्द नहीं घुस सकता था तो वो जो है वहां पर बैठे वहां पता है कि खाली औरतें कोई भी नहीं है तो वहां जब नमाज का टाइम अगर हो जाता था समझो असर का टाइम हो गया तो जल्दी से खड़े होके सिनेमा चल रहे मैं नमाज पढ़ के वापस बैठ जाओ तो हमें लगता था कि हमने सरेंडर किया हुआ ऑल टाइम सरेंडर किया हुआ हम अल्लाह को डिसोबे नहीं कर रहे हैं लेकिन अब जब सोचा जाए कि कोई भी हराम चीज कर रहे होते हैं वी शुड बी स्टेड फास्ट इन दी ओपिनियंस एंड लॉयल्टी टू अल्लाह वी शुड सरेंडर एट ऑल टाइम्स ये नहीं के फिल्म देख रहे हैं तो उस वक्त खैर है फिल्म के बाद ठीक हो जाए हमने अल्लाह के साथ अपनी ओबीडियंस पब्लिक में भी रखनी है प्राइवेट में भी रखनी है हमने अपने इस्लाम को प्रिजर्व करना है वी आर वेल एंड सेफ ताकि जब हम बीमार हो उस वक्त ऐसा ना हो या जब हम मरने लगे उस वक्त हम ना कोई इस्तेफार भी ना कर सकें जितने भी एक्ट्स ऑफ डिस ओबीडियंस है उन सब से हमें अपने आप को बचा के रखना है ये नहीं करना कि बस ये आखिरी दफा कर रही हूँ बस ये आखिरी दफा कर रही हूँ ये भी नहीं करना है डेथ कब आ जाएगी जबकि हम अल्लाह को डिसोबे कर रहे होंगे अल्लाह का शुक्र है ऐसी हालत में मौत नहीं आई अल्लाह का एहसान अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त में नहीं जान दे ली कि जिस वक्त हो गई थी जब एंजल ऑफ डेथ आएगा जब मलिक आएगा तो हमसे परमिशन नहीं लेगा कि मैं आपकी रूह निकाल लू आपने उनका सुना होगा वो जो एक आदमी थे जो हर वक्त चेस खेलते रहते थे सारा दिन चेस सारी रात चेस उनको बस जो टाइम होता था या सोना या उठना और चेस खेलना चेस खेलना वो चेस वो था ना कहते हैं चेक तो चेस वैसे तो आप खेल सकते हैं आराम से लेकिन वो शतरंज जो कि वो खेलते थे जो उनको दुनिया और माफिया से बेखबर कर देते थे कर देता था और वो लोग उसमें तेबजॉब हो जाते थे तो वो चेस जो खेलना है वो इस तरह चेस खेलता था उसके बाद क्या हुआ उसको मौत आई तो वो बजाय अल्लाह को याद करने के बजाय कलमा पढ़ने के चेक चेक कर रहा था सोचे एक और का किस्सा मुझे याद आया जो कि उम्मे कुलसूम एक सिंगर हुआ करती थी वो जब गाती थी तो लोग बड़े उनको झूम झूम के सुनते थे जब एक आदमी का किस्सा उस जमाने में आता आज नहीं पता कितने साल पहले की बात है कि उन्होंने कहा कि जब वो मर रहा था तो वो कह रहा है तुम्हें कुलसूम लगाओ मुझे उनमें कुलसूम को सुनना है बजाय इसके के करना पड़ेगी इन सब से ज्यादा एक जो है बहुत ही खतरनाक किस्म की एक आदमी ने हरकत की थी हम लोग हरम में थे तो एक एक आदमी जो था वो बस मुसफ लेके बैठा हुआ था और रोता था और कहता था या अल्लाह मुझे इस पे मौत देना मुझे इस पे मौत देना तो असलम ने कहा कि असलम ने उससे पूछा बहुत साल पहले की बात है ये भी तो उन्होंने पूछा कि ये तुम क्यों इस तरह कर रहे हो तो उसने कहा कि मेरा भाई था जो कि बहुत दीनदार बहुत नेक था बहुत अच्छा था कुरान पढ़ता रहता था हर वक्त और पता नहीं क्या हुआ मरने से आखिरी लम्हे पे पता नहीं क्या हुआ शैतान कभी भी रुकेगा नहीं शैतान विल कीप ऑन मिस गाइडिंग अंटिल डेथ कम्स टू यू उसने कहा उसने ये मुसफ़ उठाया हाथ में और उसने कहा कि गवार है ना कि ना मैं इसमें से हूँ ना ये मुझ में से है यानी ये मेरा कुरान नहीं है नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला उसने ये कह दिया और वह तो इसलिए हम सबको याद रखना है कि हमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है दूसरे हमने कंटिन्यूसली दुआ करते रहना है हमने इस्तवार की अल्लाह ता तला हमें मौत दे सबसे पहले तो दुनिया में भी या मुखलबल कलूक सभल बी अला दीन के पढ़ते रहे या मुखलबल कलूक सभ्यतल बी अला दीन की और हम दुआ भी करते रहे हैं। हम के अल्लाह तला हमें तोफीक दे कि मरने से पहले हमें इस्तार भी मिल जाए और हमें कलमा भी नसीब हो जाए कल ही परसों मुझे किसी ने बताया उसकी मेरी फ्रेंड है कि उसकी आंटी की डेथ हुई तो वो बड़ी अच्छी स्वीट आंटी थी मेरी अम्मी की भी दोस्त थी तो जब उसने किस्सा सुनाया तो कहते हैं कि वो बिस्तर पर लेट गई और अपनी बेटी को कहने लगी कि राबिया कलमा पढ़ो तो राबिया ने कहा अम्मी आप पढ़े ना तो वो पढ़ना शुरू किया उसने ला मौत अल्लाह तब को देखे मरतबा कलमा वो बहुत अच्छी औरत थी अल्लाह ताला उनकी माफी कर मैं अब उनके किस्से में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत लंबा उनका हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे बहुत ज़्यादा स्वीट थी दो यतीम बच्चों को उन्होंने अपने घर में ला पाला था और ये वो यतीम बच्ची थी जो के, जो इन राबिया और हारिस दो को पाला था वो राबिया जो है वो उसको कहती है कलमा पढ़ो और वो कहती है अम्मी आप कलमा पढ़े अल्लाह ताली हम सब को कलमे की तौफीक दे इस्तिग़फार की तौफीक दे अल्लाह हमें, हमें हमारा ख़ात्मा एज मुस्लिम करे एज़ मुसलमान भी और एज सबमिशन टू अल्लाह भी कोई ऐसे काम में हम मुलविस ना हो जिस वक्त हमारी मौत आ जाए जो अल्लाह को नापसंद है कोई भी चीज़ जो अल्लाह डिसलाइक भी करता है ऐसी चीज़ भी ना हो जाए अल्लाह हमें हमारा खात्मा बहुत अच्छे हालात में ईमान और कलमे पे करे आमीन सुबह आमीन या व बिहमदिक रबीन सुबह इलाहा इल्ला अंता सुबहान इन्नी गुन तुम्न

जी जी मैंने सुन लिया था जी, आम, जो जो आपने अभी जिक्र किया मौत का और अभी इस जिक्र से पहले अभी एंड में जो लास्ट फाइव टेन मिनट्स थे तो अम्म मौत का जिक्र जो हदीस में भी आता है कि दिलों का जंग अगर आपने दूर करना है तो मौत का जिक्र कसरत से और तलावत कुरान कसरत से राइट फिर ये बिहेवियर क्यों है खास तौर पर उन लोगों का नहीं जो कुरान इतना पढ़े हुए नहीं है या उनको इलम नहीं है जो लोग सालों से कुरान पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं उनके सामने जब मौत का जिक्र किया जाता है तो बहुत सख्त रिएक्शन देखने में आता है कि आप ये जिक्र करें अव्वल तो यही पहला जुमला आता है कि आप हमें शैतान समझ रहे हैं सुबह अल्लाह मैंने खुद अपने से ये सुना जी जी हाँ बिल्कुल आप हमें शैतान समझ आप हमें ईबल समझ रहे हैं आप हमें समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हमें आखरत बेमान नहीं है ठीक है अच्छा फिर ये बात है कि क्या इस चीज़ को मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि फिर जाहिर है कि हमारा तो अमल यही है कि हम खामोश हो जाते हैं उसके मतलब बात के जवाब में ज़ाहिर फितने को तो हवा नहीं देनी लेकिन क्या ये चीज़ तकब में आती है या ये चीज़ आखिर ईमान में कमी में आती है या सिम्पली ये जहलीत कि आप इतने इतने साल आप इतना कुरान हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपके मुंह से निकले तो सुबह समझ नहीं आती फिर यार मत समझने की कोशिश करो जो भी वो कर रहे हैं वो करे बस उसको कोई नाम ना दे ना उसको आप के के ये तकबर है ना आपके ईमान की कमी वी नो वो बंदा ऐसा है जो आपकी बात सुन लेगा और आप इसलाह कर सकेंगे तो फिर वी कैन सिट डाउन एंड उनके लिए कोई तरीका हम ढूंढेंगे क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीजों में तो हम दूसरों की इसलाह करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें एक लफ्ज भी गलत निकला है तो इस तरह जल्दी में जवाब देना ये उनकी इग्नोरेंस भी हो सकती है एरोगेंस भी इग्नोरेंस भी दोनों चीजें हो सकती हैं और फिर उसके बाद ईमान की कमी भी हो सकती है ईमान की कमी नहीं है तो जहालत तो है ही है और फिर ये कि शैतान तो आखिरी वक्त तक कोशिश करता रहेगा ना शैतान तो नहीं छोड़ेगा जब तक अफौत नहीं हो जाएगी आप पता तो बहुत अच्छा बंदा हो लेकिन आखिर में शैतान के उसमें आ जाए नहीं पता अभी सोच समझ के आप मुझे बताइएगा कि किस किस्म का बंदा है जो भी है मुझे नाम की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे ये पता हो किस किस्म का ताकि फिर हम उसके बारे में सोच समझ के कोई अगर इसलाह का है तो इकट्ठे मिलके कुछ कर लें बल्कि और लोगों से भी उनका भी मशवरा ले लें किसी ने ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या किया और कोई सवाल अल्लाह तला में मौत की याद भी दिलाता रहे मैं तो कहती हूँ हर वक्त ऐसे लगता है कि बस किसी वक्त भी आ जाएगी मौत दिन को रात को अल्लाह तला कहते हैं दिन के वक्त आप कहलूला करते हो तब भी हो सकता है रात को आप सोए हो तभी भी हो सकता है और रात को जब सोते हैं वो तो मौत ही है उसके बाद अल्लाह तला कहते हैं फिर मैं उठा देता हूँ आपको किसी सोल को उठाता हूँ किसी को नहीं उठाता हूँ इट्स जस्ट अमेजिंग अल्लाह का अल्लाह क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमारे बस सब एक दूसरे के लिए दुआ करें प्लीज